डोर स्टेप डिलीवरी है कि घर घर राशन पहुंचाना। तो मैंने सनी राशन पूछा हो घर जाके या फिर कोई कमाई कोई विशेष लोगा नहीं पूछा राशन की दुकानों पर नहीं पहुंच पाते जी, उनको क्या है घर पे गेहूँ देने की योजना है। कैसी योजना को लाभ है पापा खास का एक वीडियो को मैंने पूरी जानकारी पाला। खाद्य सुरक्षा का मैंने जो लोग जुड़ रहे हैं मन घर बैठे ही राशन है वो मिलेगा। राम राम साहब, मैं साथ अरुण। राज्य सरकार द्वारा डोर टू स्टेप डिलीवरी की एक योजना है बा लागू करी गई है जो खाद्य सुरक्षा में परिवार जुट रहे हैं बाक ले। एक महीने कौन कौन ई योजना को लाभ ले इसके आप पूरी जानकारी इस वीडियो को मैंने प्राप्त कराँगा क्योंकि झुंझुनू को मावे लगभग 25,000 परिवार है कहीं माने ई योजना को लाभ है वो मिलेगा। कैसे ई योजना को लाभ है पापा खास का एक वीडियो को मैंने पूरी जानकारी आप लाँगा। तो थान वीडियो सब पहले शेयर कर देना क्योंकि वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है और लास्ट तक बने रहना। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है साहब? मनरूप नाम है। थारू के नाम है साहब? मेरा विधातर। विधातर जी, सब पहले तो मैंने एक चीज़ है बताओ यार, डोर स्टेप डिलीवरी स्कीम की है यार? डोर स्टेप डिलीवरी है कि घर घर राशन पहुंचाना। तो मैंने सनी राशन पूछा हो घर जाके या फिर कोई कमाई कोई विशेष लोग नहीं पूछा हो? ना ना, हमारे पास जिला रसद अधिकारी के पास से लिस्ट आएगी उसी के हिसाब से पहुंचाना पड़ेगा। कौन ही योग्य लोग? योग्य जन इसमें विकलांग है, 18 साल से कम है, 60 साल से अधिक है उनको। उपभोक्ता को क्या रोल रखो? उपभोक्ता का तो कोई रोल नहीं, हम तो उनको कहेंगे कि आपको घर पर ही राशन मिलेगा। उपभोक्ता को स्पेशल कुछ करना पड़ेगा भाई, कट जाए कोई रजिस्ट्रेशन कराना हो, कोई फॉर्म भरना हो, भी कुछ काम करना? ना ना, ऐसा कोई नहीं। हमें तो हमारा रिकॉर्ड ही रखना पड़ेगा, बाकी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है हमारे पास, तो इसकी कोई सूचना नहीं है। आज जो योजना है कब से प्रभावित हो? या आज से प्रभावित, 1 जुलाई से आज से प्रभावित हो चुकी है। तो एक बार लोगन इस चीज को पता भी है कि भाई मारे राशन घर पूछ सको या फिर भाई लोग आ रहे भी धारगन? नहीं नहीं, अभी तक तो उनको नहीं पता, हमारे पास आ भी रहे हैं वो। हाँ, सूचना दे रहे हो? मतलब उम्र दराज है कोई 80 साल से, उसके लिए बहुत प्रॉफिट है। की बात यह है की कुछ कुछ लोग है उनको गाड़ियों से आना पड़ता है, विकलांग है वो भी गाड़ियों से आते हैं, उनके लिए अच्छी स्कीम है ये। बाकी के तो और तो मान ले दो ऐसे राशन कार्ड जिनमें एक नाम है दो नाम है वो चल फिर नहीं पड़ते, उनके लिए सबसे बेस्ट काम है ये। 15 परिवार तो ऐसे हैं जो गाड़ी से ले जाता है, तो वो जितना राशन मिलता है उतना गाड़ी का किराया जाता है। बिल्कुल कड़े कड़े देखा ना तो ये चीज को फायदों को कर बहुत बड़ा है क्योंकि कई लोग यहाँ का ही जो शारीरिक पीड़ा से पीड़ित है लेकिन राशन जब मन मिले तो मैंने साधन गाड़ी वगैरह लेके आना पड़े, तो कड़े न कड़े जो राशन है की कीमत है कि गाड़ियाँ किराए में चली जाए तो भी चीज़ को फायदे लोग काफ़ी देखने में लोग जाएंगे अपने राशन डिलीवर होता है। और एक मायने एक चीज मैंने और बताओ थे जै एक राशन कार्ड का मायने 4 नाम है और बाकी मायने सिर्फ एक जनों भी सुविधा को लाभ ले सके है तो बस 4वां को राशन पहुँचा होगा या फिर सिर्फ एक ही आदमी को पहुँचा होगा? 4वां को ही पहुँचाऊंगा। अगर पैकेजिंग वगैरह क्या की कराते हो, टोल के लिए जाओगे या फिर क्या सिस्टम रहेगा? नहीं, टोल के लिए जाएंगे यहाँ पर बैग में गाल के। हाँ, एक है कि स्कीम है कि जोन जिलों में कम से कम 25,000 लोगों को इसको फायदों में लोगों, यह स्कीम जो नहीं चल सकते हैं दिव्यांग आदमी उनके लिए बहुत ही बेस्ट स्कीम है राजस्थान गवर्नमेंट की और इससे बहुत अच्छा फायदा मिलेगा लोगों को, आउटपुट मिलेगा। क्योंकि मैं कहते हैं कि बजट ही भी घोषणा करी गई चीज में लेके बाकी अब धरातल पर लागू हुई है तो इन लागू करवा का मायने कब तो कि वो मुश्किल को सामना करना पड़ सकता है या फिर आसानी से लागू हो जाएगा? ये तो आसानी से लागू हो जाएगी, वो लाभ लोगों ने आराम से मिल जाओ। आराम से लाभ मिलेगा इसको। जो लोग नहीं पता है बंद कैसे सूचना दो भाई जी? बंद तो इस महीने को तो हम लोग हर आदमी को फोन करके कह देंगे भाई आपका राशन आपके घर तक पहुंचेगा, के बाद में आदत पड़ी जाएगी। आदत पड़े नहीं है उनको, तो मैं तो थारा आपके माध्यम से कहना चाहूंगा यार खबर अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचे जिससे गरीब जो आदमी है ना दिव्यांग 60 साल से अधिक 18 साल से कम उनको ये फायदा पहुंचे, आपके चैनल से बहुत लोगों को फायदा पहुंचेगा। तो जी क्या नाम है? इस्माइल नाम है। 1 साल की उम्र होगी तारी? मेरी 2 साल 78 साल का होगा। हाँ, तो अभी तक तो अरे दुकान पर आगे राशन लेता लेकिन अब सरकार थान घर राशन पहुंचाओगी तो कसो काम है सरकार? बढ़िया है, बढ़िया है। जाओ काम ठीक। हाँ जी, राम राम। राम राम जी। नाम है सर?
नाम राजेंद्र। राजेंद्र जी मेरे ख्याल थे तो ई कैटेगरी में कोने, लेकिन ई क्या सुविधा चालू करी है सरकार, कसी के सुविधा है? बढ़िया करी है, बढ़िया करी, अच्छी करी साहब, एक नंबर ही करी है। अच्छा। बुड्ढा ठहरान परेशान नहीं होना पड़ा, बहुत बढ़िया सरकार है, बढ़िया काम कर रहा है। नाम जी, क्या नाम है जी? विनोद नाम। विनोद जी, जहाँ बहुत सारा लोग आप बात कर रहे हैं, कुछ कैटेगरी ही दिव्यांग जन वृद्ध जन भाई, इस चीज को फायदा उठा सके, वन डोर स्टेप डिलीवरी मिले घर जाके, तो कतो के लाभ है वो मिल सके? वो जनता के लिए, बूढ़ा बुजुर्ग के लिए बहुत बढ़िया कदम उठाया हुआ सरकार, वो बढ़िया कदम है। बूढ़ा बुजुर्ग आदमी या चले जाओ घर मिल जाओ, बहुत बढ़िया सुविधा, बहुत बढ़िया काम होता गवर्नमेंट को, अच्छा काम। विकास जी, डोर टू स्टेप डिलीवरी सिस्टम है, पहले तो ये योजना को बारे में बताओ थोड़ा, की यह योजना है जी सरकार की? एक मतलब जो लोग जो राशन की दुकानों पर नहीं पहुंच पाते जी, उनको क्या है घर पे गेहूं देने की योजना है जी, जिसमें राज्य सरकार ने है क्राइटेरिया रखा है, ऐसे परिवार जिनमें या तो 18 साल से कम के लोग हैं या 60 साल से ज्यादा के लोग हैं। तो सर, एक महीने जो परिवार उपभोक्ता है वो रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाओगे, या फिर एक महीने थे ही कोई एक चीज डिसाइड करोगे, या फिर राशन डीलर डिसाइड करोगे? नहीं, इसमें ना रजिस्ट्रेशन की जरूरत है ना राशन डीलर की। इसमें क्या है, जो राशन कार्ड में ऑनलाइन डिटेल अवेलेबल है ना अपने जी, जैसे कंज्यूमर की एज है या फिर ऐसे दिव्यांग लोग हैं किसी राशन कार्ड में, उनके लिए योजना है जो ऑनलाइन डेटाबेस में अवेलेबल है, उसके आधार पे डिपार्टमेंट ने एक सूची तैयार की है, वो सूची डीएसओ के साथ शेयर कर दी, वो हमने डीलरों को अवेलेबल करवा दी है, तो उन्हीं सूची के लोगों को ये गेहूँ दिया जाना है। अभी सर जो 1 तारीख है, मैं एक राशन डीलर की दुकान पे बैठा हूँ, लेकिन लोगों को तो इस चीज के बारे में कि अब मारू नाम है वो आ चुके हैं लिस्ट के महीने और मन घना बैठा राशन मिलोगो, इस चीज के लिए किए थे इन्फॉर्मेशन कहीं से पूछा होगा उपभोक्ता तक? नहीं, ये हमने क्या है, हमें डिपार्टमेंट से सूची मिली है अभी और हमने डीलरों के साथ वो सूची शेयर कर दी है, तो वो डीलर है वो अपनी सूची लेके उसका मिलान कर लेगा, और जो कंसर्न उपभोक्ता है उनसे संपर्क करके उनको डोर स्टेप डिलीवरी करेगा और उसका रिकॉर्ड अलग से संधारित करेगा। सर, मेरा आखिरी क्वेश्चन था ना यू रखो कि उपभोक्ता ने ये का मतलब जो कतो के लाभ है वो मिलोगो ये योजना के थ्रू? नहीं, कई ऐसे उपभोक्ता हैं जो अधिक एज के कारण या किसी शारीरिक जो उनकी असमर्थता उनके कारण दुकान तक नहीं आ पाते, तो उनको क्या ये बेनिफिट मिल जाएगा कि उनको घर पे ही वो राशन है हर महीने का, वो अवेलेबल हो जाएगा उन लोगों को। आप पूरी जानकारी जुटाई भी मामले या कुछ उपभोक्ता ही आप भी बातचीत करी है, तो एक महीने जो क्राइटेरियो है 18 से जो कम उम्र का बच्चा ही और जो रजिस्टर्ड ही, 60 प्लस वृद्धजन जो ही और साथ विशेष योग्य जन यानी कि दिव्यांग जन जो लोग ही, भाई ये लाभ ये योजना को लाभ है माने मिलेगो राशन कार्ड जो डीलर ही बाकी एक लिस्ट पूछेगी और भी लिस्ट का मैं जगह को नाम है, भाई ये चीज के लिए एलिजिबल रहेगा, और उपभोक्ता ने कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट है वो करना है, सिर्फ घर बैठे रहना है और राशन को मिलवा को इंतजार है वो करना है, राशन डीलर अपना पूछाओगे सब। एक चीज मैं अभी थारा पूछना चाहूंगा कि एक महीने थारो के बेनिफिट है, थाने भी कोई अलग से मानदेय वगैरह मिला? अलग से मानदेय घोषित हुआ हमारा भी, आने भी एक अलग से थोड़ा पैसा ही ज्यादा मिलेगा। थाने वीडियो को शौक लगे हो मन जरूर बताओगा, और वीडियो थाने सब पहले शेयर करना है और आखिर में भी बिल्कुल शेयर कर देना है, ताकि ये योजना की जानकारी से है कोई भी परिवार है वो बच नहीं सके, सने या जानकारी है वह मिल सके, वीडियो शेयर कर देना है और आसपास की खबर अपडेट रहने के लिए बना रहा हूँ। राम राम।